ये है हमारी सेल्फी पॉइंट, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे लोग खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे। और ये है सेक्टर 6 एरिया, राउरकेला का सेक्टर 6, जहाँ पे है सबसे लंबा फ्लैग पोल। ये जो पोल देखते हैं ये उड़ीसा का टॉलेस्ट फ्लैग पोल है, सबसे लंबा फ्लैग पोल उड़ीसा का राउरकेला में है सेक्टर 6। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं इतना भीड़ देख के ना हम लोग अंदर नहीं जाने वाले हैं, बाहर से ही चले आएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। ऐसी बात नहीं, आप मिटा दीजिए वो, इसलिए ठीक है ना, देख लीजिए। हाँ हाँ, रोना नहीं, स्माइल करो एक बार, स्माइल करो। कुछ नहीं हो, ना हो गया बाबा, हो गया, एक साइड में हो गया, देखा, ओ हो गया मर्दन। पेन हो रहा है बाबा, हम बाहर जाएंगे ना आइसक्रीम खा लेंगे, ठीक है ठीक है। इसके नीचे आइसक्रीम का, और एक साइड है ना बाबा, एक साइड में नहीं होता, मेरे मरे मारा मेरा बच्चा। एक मैं पेन पकड़ के बैठती हूँ, ठीक है। ये सिंह हो गया, दिखा, दिस इज स्ट्रांग है ना, रोते नहीं, स्ट्रांग है। हाँ हाँ, देखेंगे, जाएंगे चारों तरफ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे त्रिशा आइसक्रीम खाते हुए एक फोटो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बैंगन के भरता की रेसिपी, और ये रेसिपी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं जिस तरह बनाती हूँ वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे आज हमारे घर पे आया था ये बैंगन, बहुत ही फ्रेश है, और इस रेसिपी के लिए आपको बैंगन फ्रेश ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं चारों तरफ, और लहसुन के कलियाँ अंदर डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ सब्जियाँ भी मैंने चॉप करके लिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने लिया है गाजर, कैप्सिकम, प्याज, फ्रेंच बीन्स, और मेरे पास हरी मटर नहीं थे, ग्रीन पीस, तो इसलिए मैंने नहीं लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों बैंगन में अंदर डाल दिया है लहसुन की कलियाँ, और साइड में मैंने रखा हुआ है टमाटर। मैंने यहाँ पे दो बैंगन के साथ साथ दो टमाटर के भी रोस्ट करने वाली हूँ, और आप चाहे तो दो आलू भी ले लीजिए और उसको भी रोस्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे बैंगन को रोस्ट करने के लिए रख दिया है, आपको अच्छे से रोस्ट करना है। यहाँ पे देखिए मेरे बैंगन अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अभी इसको निकाल लेंगे और फिर टमाटर रोस्ट करने के लिए डालेंगे। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि टमाटर मेरा अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे मैंने बैंगन और टमाटर दोनों का छिलका निकाल लिया है, और बैंगन का डंठन भी निकाल लिया है, और फॉक की मदद से इसे मैं मैश कर रही हूँ। और मैश करते वक्त आपको ध्यान रखना है, बैंगन में कीड़ा वगैरह होते हैं तो आपको चेक करके मैश करना है। तो इसे अच्छे से गरम गरम मैंने मैश कर लिया है फॉक की मदद से, ये देखिए। और इसमें मैंने कोई भी मसाला वगैरह नहीं डाले हुए हैं। और यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और एक टेबल स्पून तेल डाल देंगे, तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, और जो सब्जियाँ हमने चॉप करके रखा हुआ था वो सारी सब्जियाँ यहाँ पे डालेंगे। पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया है चॉपके हुए गाजर, फ्रेंच बीन्स, कैप्सिकम, प्याज, और अगर आप हरे मटर ले रहे हैं तो भी आप यहाँ पे ही डाल सकते हैं। अगर फ्रोजन मटर ले रहे हैं ना तो आप उसको बाद में डाल सकते हैं, क्योंकि फ्रोजन मटर उबले हुए ही होते हैं, तो उसको आपको बाद में डालना है। तो यहाँ पे मैंने सारे सब्जियाँ डाल दिए हैं, और हाई फ्लेम में आपको इसे सौते करना है, जैसे हम चाइनीज में करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको हाई फ्लेम में 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ हमारे पक चुके हैं। मैंने यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में सारे सब्जियों को चलाते हुए सौते कर लिया है। और यहाँ पे फिर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा हाई फ्लेम में करिएगा,
और चलाते हुए कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, आपको छोड़ नहीं देना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, ये घर की पीसी हुई लाल मिर्च है, तीखापन के लिए मैंने डाल रही हूँ, कलर के लिए बिल्कुल भी आपको कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर घर की पीसी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा टेबल स्पून, और यहाँ पे लाल मिर्च का क्वांटिटी आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर अगर आपको लाल मिर्च पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप करके हरी मिर्च को चॉप करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, और आपने देखा कि मैंने कुछ भी फैंसी मसाले नहीं डाले हैं, जो घर में अवेलेबल है वो ही मसाले डाले हुए हैं। सारे मसालों को, सारे सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद, सौते करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे मैश किए हुए टमाटर और बैंगन। इसे भी अच्छे से मैश करते हुए आपको सारे मसालों के साथ मिक्स करना है। और जो बैंगन के अंदर हमने जो लहसुन की कलियां डाले हुए थे ना, वो ना मैंने जानबूझ के मैश नहीं किए हुए हैं, आप देख सकते हैं साइड में दिख रहा होगा, वो ना जब खाने के टाइम में मुंह में आएंगे बीच बीच में, बहुत ही टेस्टी लगते हैं बैंगन के भरते में। और यहाँ पे हम डालने वाले हैं इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैगी मसाला। यहाँ पे मैंने एक पाउच मैगी मसाला लिया है, लेकिन इसमें से लिया है एक टीस्पून आपको डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे आपको ये जो मैगी मसाला लास्ट में ही डालना है, बीच में या फिर फर्स्ट पहले से ही बिल्कुल मत डाल दीजिएगा, लास्ट में डाल के अच्छे से मैश करते हुए मिक्स कर लीजिएगा और फिर गैस के फ्लेम को ऑफ कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ और पास से भी दिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी यम्मी बैंगन का भरता, मेरे स्टाइल का बैंगन का भरता। हर कोई अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं, ये मेरा तरीका है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा ये वाला तरीका, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा अपना फीडबैक और अपने फैमिली मेंबर्स का फीडबैक। और आपके पहचान में जिन लोगों को बैंगन का भरता पसंद है, उन लोगों के साथ ये वाला रेसिपी जरूर शेयर करिएगा। और एक बार मैंने ना मोमोज की रेसिपी शेयर किया था, और उस रेसिपी में किसी ने कॉमेंट करके बताया था कि सोया सॉस कौन डालता है स्टफिंग में। एक्चुअली मैं जिस तरह घर पे बनाती हूँ वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, किसी से कॉपी नहीं करती, अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग और रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।